झूठ के तह तक जाकर पहुंचाएंगे आपको सच्चाई तक। आपको मिलेंगे आपके हर सवाल के जवाब, क्योंकि आपके वाच के नगर सेवक से करेंगे हम सीधे सवाल। देने होंगे उनको सभी सवालों के जवाब। क्या कहता है ये 5 साल का अनुभव, क्या किया, क्या कर सकते थे, ऐसी तमाम बातों की चर्चा के लिए हम आपके सामने ला रहे हैं हमारा नया कार्यक्रम नगर सेवक आपके द्वार। झूठ के तह तक जाकर पहुंचाएंगे आपको सच्चाई तक। आपको मिलेंगे आपके हर सवाल के जवाब, क्योंकि आपके वार्ड के नगर सेवक से करेंगे हम सीधे सवाल। देने होंगे उनको सभी सवालों के जवाब। क्या कहता है ये 5 साल का उनका अनुभव, क्या कर सकते थे, क्या किया है उन्होंने, ऐसी तमाम बातों की चर्चा के लिए आज हम आपके सामने ला रहे हैं अपना नया कार्यक्रम नगर सेवक आपके द्वार। और इस कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं प्रभाग क्रमांक 33 की नगर सेविका वंदना भगत मैम। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, ये बताइए कि एज अ नगर सेविका, क्या शुरू से ही आपका बैकग्राउंड नगर सेविका का रहा है? जी मैम, हालांकि 95 से मेरा सोशल एक्टिविटी शुरू हुआ, उसके बाद 2007 में मैंने कॉन्टेस्ट किया था, उसमें बहुत कम वोटों से मैं चुनाव हार गई थी। उसके बाद 2012 में भी कोशिश की, लेकिन हमारे बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच ये पार्टी की तरफ से मैं अपना चुनाव लड़ती थी, लेकिन 2007 और 2012 में मुझे विजय नहीं मिली। लेकिन 2017 का जब इलेक्शन था और 4 वार्ड का एक प्रभाग था, वैसे देखा जाए तो वो मिनी आमदार का ही एरिया था, इसलिए बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच ने भारतीय जनता पार्टी से अलायंस किया। उस तहत फिर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच की मैं कैंडिडेट रही और मुझे उसमें विजय प्राप्त हुआ। और इसी तरह हमारे अलायंस पार्टनर बीजेपी के साथ 5 साल में अच्छा मैं काम कर सकी, क्योंकि अलायंस होने के बावजूद भी मैं कमल चुनाव चिन्ह पर खड़ी थी जी। इसकी वजह से टोटली जो काउंट किया जाता है हाउस में एनएमसी के, उसमें अच्छी तरह अपने को काम करने का मौका मिला है। और सत्ताधारी पार्टी होने की वजह से महापौर और पूरा जो एक सेटअप था वो बहुत अच्छी तरह, 5 साल का अनुभव रहा मेरा बीजेपी के साथ। मैम, अगर आपके एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा समस्या, अगर हम प्रभाग क्रमांक 33 की बात करते हैं, तो वहाँ पर गडर सड़कें और की बहुत ज़्यादा सुनने में आती है, तो क्या सच में बहुत ज़्यादा समस्या है आपके एरिया में गडर लाइन की? आपने जो सवाल किया उसमें तो रास्तों का जो था पहले समस्या थी, पहले जो डामरीकरण होता था तो 3 साल में उखड़ जाता है, लेकिन अभी अपने शहर में बड़े पैमाना पर सीमेंट रोड हो गए हैं, कुछ जगह के होने के हैं। हमारे भी प्रभाग में हमको जैसे फंड उपलब्ध हुआ उस हिसाब से मैंने न्यू कैलाश नगर में भी किया है, ज्ञानेश्वर नगर में किया है सीमेंट रोड, बाबुड़खेड़ा, कुंजीलाल पेट, ऐसी जगह में जैसे जैसे फंड मिला वैसे वैसे हम लोगों ने सीमेंट रोड का काम किया है। मैम, ये तो रही सीमेंट रोड और गडर लाइन की बात, नहीं गडर लाइन के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ। गडर लाइन के बारे में भी बहुत सारी समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं। एक्चुअली बहुत पुरानी जो लाइन होती है वो पूरी खराब हो जाती है जी, लेकिन डालने के लिए जब हम जाते हैं तो लोगों का अतिक्रमण रहता है जी, तो लोग वो काम करने के लिए अपने को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन कुछ जगह ऐसा है कि हमारा जो प्रभाग 33 का एरिया, वहाँ पर नालंदा नगर करके एक एरिया, वहाँ तो अभी तक सेप्टिक टैंक है, उनके यहाँ गटर लाइन नहीं थी, लेकिन बहुत प्रयास के बाद हमने वो लाइन डाली है, क्योंकि लोगों के 2-2 मंजिल की घर थे उसमें से भी जगह नहीं थी, फिर भी बहुत सारा सब कठिन परिस्थिति में हमने वो लाइन डाली है। ऐसी कंजेस्टेड एरिया में भी आप लोगों ने काम करने की कोशिश की है,
ऐसे चार पांच जगह मैंने बहुत लोगों से बहुत झगड़ा करके वो गडर लाइन डाली है। क्या बात है? अगर हम लोग बहुत उसमें ताकत लगती है, अगर हमने पूरा जान डाल दी कि ये लाइन डालना ही है, तो वो सब अतिक्रमण हटाकर वगैरह हम लोग डाल सकते हैं जी। लेकिन इतने सारे काम रहते हैं प्रभाग में, तो उसकी वजह से लोगों का भी, उस लाइन के लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता का सपोर्ट रहा तो नगर सेवक कोई भी काम कर सकता है। और जैसे कि हमने सुना है कि स्ट्रीट लाइट की भी कुछ समस्या है कि रात में अंधेरे का सामना करना पड़ता है वहाँ जनता को। नहीं, मेरे 5 साल के ये कार्यकाल में मैंने तो बहुत जगह पोल लगा दिए हैं। जी, लाइट का प्रॉब्लम जैसे बारिश वगैरह आती है, बहुत ज़्यादा हवा होती है, उस वक्त फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है। ऐसे जनरली तो कभी बंद नहीं होते, लेकिन वो जो टेक्निकल बातें जो होती है उसकी वजह से तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन प्रॉब्लम होने के बावजूद हम लोग अगर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को बताते हैं तो उनके सब कर्मचारी आकर वो सब चालू कर देते हैं। वो टाइमर का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लोग जब मॉर्निंग वॉक को जाते हैं तो लाइट जरा बंद हो जाती है जल्दी, लेकिन वो जो सेटअप होता है टाइमर का उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। अच्छा। तो अगर हमको कंप्लेंट आती है तो वो भी हम दुरुस्त कर देते हैं। जी जी। दर्शकों, आज की तारीख में हर इंसान किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। हर कोई चाहता है कि इन समस्याओं का समाधान जो है वो जल्द से जल्द हो जाए। और एक नगर सेवक होने के नाते आपका क्या कर्तव्य बनता है? जैसे बहुत सारे लोग अगर आपके पास समस्याएं लेकर आते हैं तो हर किसी की समस्या को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होती है? हालांकि हमारी सुबह गडर के साथ ही होती है, सवेरे सवेरे लोगों के फोन आ जाते, गडर चौक हो गया है जी, सफाई ठीक से नहीं हो रही है, लाइट बंद है, कुएं खराब हो गया है। तो जैसे जैसे कंप्लेंट आती है वैसे वैसे हम लोग जो जो संबंधित विभाग होते हैं उनको फ़ोन करके बता देते हैं कि ये सब समस्या है, आप कर लीजिए। लेकिन आजकल कैसे मोबाइल पे लोग फोटो भी भेज देते हैं, गडर चौक हुआ, पानी कहीं जमा है, तो वो फोटो भेज देते हैं, तो हम लोग वही फॉरवर्ड कर देते हैं, जो हमारे सुपरवाइज़र होते हैं, एसआई होते हैं, उन लोगों को भेजते हैं। क्योंकि हमारा एरिया जो है, हमने एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा डिवाइड कर लिया जी। है, चार नगर सेवक हैं, उसमें से एक कांग्रेस के नगर सेवक है, लेकिन हम, मैं अलायंस पार्टनर और दो बीजेपी की नगर सेविका है, तो हमने एक ऐसा एरिया का डिवाइडेशन किया है कि जैसे बाबड़खेड़ा, कौशल्या नगर, कुकड़े लेआउट, न्यू कैलाश नगर, वसंत नगर, अंबेडकर नगर, ये एरिया मैं देखूंगी, वहाँ की जो समस्या होगी वो मैं सॉल्व करूंगी। इधर बालाजी नगर की तरफ से उधर मानेवाड़ा रोड तक भारती ताई देखते थे, और उधर बैनर्जी लेआउट से लेकर शताब्दी चौक तक विशाखा ताई का काम था, और चौथे जो नगर सेवक थे वो तो सब काम देखते, सब एरिया का काम देखते थे। तो इसकी वजह से काम करने में बहुत आसानी होती थी। आप लोगों ने अपने हिस्से का जो काम है वो चारों नगर सेवक ने बहुत अच्छे से बांट लिया है। जी हाँ, वो जो हमारा एरिया वो हमारी, वहाँ काम करना हमारी प्रायोरिटी थी, लेकिन प्रभाग में से कहीं भी इसे फोन आता है तो वो भी काम हमें करना पड़ता था। क्या बात है। तो ऐसा हमारे जो तीनों नगर सेवक है हमारा कोऑर्डिनेशन रहता था, उस वजह से हम लोग बहुत अच्छा काम कर सके, जनता की सेवा करने का हमको अच्छा मौका मिला, लोग भी हमको अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं, अगर काम करते हैं तो लोग भी रिस्पेक्ट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 10 काम में से एक काम नहीं होता है तो उसका वो एक काम का प्रोपोगंडा ज्यादा होता है और वो सुनने को भी पड़ता है, मिलता है, और लोग हाइपर हो जाते हैं कभी कभी, काम नहीं होता है तो नेचुरली हमारे भी कोई डिपार्टमेंट की टेक्निकल प्रॉब्लम रहते हैं, जैसे चौकेज की गाड़ी की अगर जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे इधर लिमिटेड सब यंत्रणा है, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो जाए तो लोगों की नाराजगी बढ़ती है, लेकिन वो काम एक दिन के बजाय हम लोग दूसरे दिन कर देते हैं, लेकिन काम करते हैं थोड़ा टाइम लग जाता है। मैम, लोग देखते हैं कि नगर सेवक जो होता है वो लोगों के लिए होता है, लेकिन हम आजकल जो देख रहे हैं जो ट्रेंड है, तो आजकल ज़्यादातर नगर सेवक अपने हित के लिए सोचते हैं, क्या सही है ये? मतलब अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा प्रॉफिट दिलाने के लिए कुछ करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है।
हालांकि आप किस एंगल से बोल रहे हो ये मुझे पता नहीं, हाँ। जैसे काम अपने रिश्तेदारों को देना या फ्रेंड्स लोगों को देना, कॉन्ट्रैक्टरशिप के बारे या में, पहले उनके बारे में सोच लेना कि अगर जैसे वो मेरा फ्रेंड्स है तो उसका पहले काम कर ले। नहीं 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 नहीं, वोट तो सभी देते हैं तो हमारे लिए तो सब एक साथ एक जैसे ही रहते हैं। जी जी जी, क्योंकि वो लोग जो वोट देते हैं उनकी वजह से हम चुनकर आते हैं और उनकी सेवा करने का हमको मौका मिलता है। तो ऐसा नहीं मेरे बारे मतलब में, मतलब जो लोग कहते हैं कि 80% नगर सेवक जो हैं वो राजनीति करते हैं और 20% सामाजिक कार्य में लिप्त होते हैं। वो तो रूल जो है कि 80% सोशल वर्क और 20% पॉलिटिक्स, ऐसा जो समीकरण है उस हिसाब से। तो मैं मेरे बारे में बताती हूँ, दूसरों के बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगी कि मेरा जो काम है वो सोशल का ज्यादा है जी, क्योंकि मैं मेरा जो प्रोफेशन था वो जर्नलिज्म का था। जर्नलिज्म के साथ ही मैंने फिर हमारे पार्टी की जो संयोजिका है बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच की एडवोकेट सुलेखा तई कुंभारे, हम लोगों ने उनके साथ निर्धार महिला व बाल विकास की स्थापना की और महिला और बच्चों के लिए हमने काम शुरू किया। ऐसे ही सोशल काम करते करते 2007 का इलेक्शन हम लोग मैंने लड़ा और फिर लगा कि नहीं, अपने सोशल काम जब करते हैं तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। अगर अपने को कुछ पॉलिटिकल पावर मिलता है तो हम लोग सोशल काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल पावर एक वेपन्स होता है अपने लिए कि उसकी वजह से हम लोग सोशल काम अच्छी तरह कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह मेरा तो अभी भी सोशल काम पर ज़्यादा विश्वास है, सोशल काम में से ही मैं अपने ये पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई है। अगर जब मैं सभापति बनी थी लास्ट ईयर मीन्स 2021-22 इसमें मैं सभापति थी, धंतोली झुन की सभापति थी, तो सभापति होने के बाद भी एक पावर अच्छा मिला कि मैं अच्छी तरह काम कर पाई जी। क्योंकि लोगों को लगता है कि झुन सभापति बनना बोले तो ऐसा ही पद है, लेकिन हम लोग वो पद को किस ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। कोरोना के काल में ही मुझे वो सभापति का पद मिला था, तो मैं अच्छी तरह कोरोना के पेशेंट के सेवा कर पाई, जो कुछ भी सेवा उपलब्ध थी उनके लिए वहाँ वहाँ जाकर, जैसे अपने यहाँ क्वारंटाइन सेंटर थे, हॉस्पिटल भी खोले गए थे अलग अलग जगह, वहाँ जाकर वहाँ पर सुविधा बराबर है कि नहीं, हमारी सब जो सहायक आयुक्त मैडम थे, फिर मेडिकल ऑफिसर थे, इन लोगों के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन था और धंतोली जोन का सभी स्टाफ, हम लोग सब मिलकर एक अच्छा कोरोना के कार्यकाल में काम किया और धंतोली जोन का जो रिजल्ट था वो अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। ये बताइए मैम कि 5 साल के आपके कार्यकाल में 2.5 साल तो कोरोना ने ही खा लिया, बचे 2.5 साल, तो बहुत ज़्यादा ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप करना चाहती थी लेकिन समय के अभाव में आप नहीं कर पाए? एक्चुअली रोड की बहुत बड़ी समस्या थी जी, क्योंकि 2017-18-19-20 में ही कोरोना आ गया। पहले एक डेढ़ साल में अच्छा काम हो पाया हमारा, तो फंड भी अच्छा मिला था तो काम हो पाए, लेकिन 20-21 के इसमें जब तुकाराम जी मुंडे आए एनएमसी में कमिश्नर बनकर, कोरोना का कार्यकाल होने से सब काम रोक दिए उन्होंने, हमारे जो पेंडिंग काम थे, पेंडिंग और इम्पोर्टेंट जो काम थे वर्क ऑर्डर हुए सब काम रोक दिए उन्होंने। फिर 2-2.5 साल बाद भी हमने वो रोड की फाइल के लिए कोशिश की लेकिन वो नहीं हो पाया, तो वो वैसा ही पेंडिंग है। हमारा मेडिकल कॉलोनी का एरिया में वो सब फाइल थी वो रुक गई, उसकी वजह से काम बंद हुआ। अब ये 21-22 में भी देखा जाए तो इतना फंड नहीं मिल पाया, क्योंकि वहाँ पर भी सब कैलकुलेशन करते हैं कितना फंड मिला है उस हिसाब से। फिर लास्ट ईयर तो मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया, लेकिन सभापति थी तो सभापति का जोनल फंड जो होता था वो मैंने अच्छी तरह अपने प्रभाग में यूज़ किया, जैसे लाइब्रेरी जो है उनके ऊपर उनका रिपेयरिंग का काम किया, समाज भवन की रिपेयरिंग का काम किया, नाला की रिपेयरिंग की काम किया, उनकी वॉल जो होती है नाला की
दो तीन नालों पर अपन ने काम किया, ऐसे जो छोटे छोटे काम थे लेकिन इम्पोर्टेंट काम थे वो। फिर भी वर्तमान में अगर अभी प्रेजेंट की बात करें तो आपके एरिया में की कई गलियों में वहाँ के नागरिक कंप्लेन करते हैं कि ठीक ढंग से सफाई नहीं होती है और लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण मच्छरों की समस्याएं बढ़ रही हैं। कई गलियों में रोड लाइट भी नहीं है, जैसे कि सुबह के वक्त जो है स्पेशली मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग निकलते हैं तो उनको अंधेरे का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आजकल रात बड़ी और दिन छोटा होता है तो काफ़ी अंधेरा होता है 6 बजे तक भी। तो जो टूटी सड़कें हैं और कचरा पॉइंट जो है वो नहीं होने की वजह से आपके नागरिक जो है वो बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। नहीं नहीं मेरे एरिया में तो बहुत जगह सीमेंटीकरण हुआ है, एक दो रोड जो छोड़ा जाए, अभी साइना स्कूल के रोड पे जो है वहाँ पर पेंच फोर की जो बड़ी गटर लाइन डाली है उसकी वजह से वो रोड खराब हुआ है। उसके लिए अभी मैंने 8 दिन पहले गडकरी साहब को लेटर दिया है कि वो रोड के लिए हमें फंड दो करके। उसी तरह एक कुकड़े लेआउट का जो मेन रोड है वहाँ पर भी बहुत ट्रैफिक रहता है, वो एक रोड रह गया है, उसके लिए भी मैंने एप्लीकेशन दिया है। अगर ये दो मेन रोड हो जाते हैं तो हमारे इधर की दिक्कत कम हो जाती है। और मेडिकल कॉलोनी के रोड रह गए, बाकी तो एरिया में हमारे इधर डामरीकरण हुआ है लेकिन लास्ट ईयर बहुत बारिश होने की वजह से वो रोड खराब हुए हैं। और तंग गलियां भी हैं, मतलब जो एरिया है वो कंजेस्टेड है, एरिया कौशल्या नगर में है तो वहाँ कैसे प्रॉपर सफाई नहीं कर होने के कारण भी लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि सफाई कर्मचारी जो है मतलब कचरे की गाड़ी जो है वो भी एक एक दिन के बाद आती है। उसमें भी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि कभी गाड़ी खराब हो जाती है तो उसके रिपेयरिंग के लिए टाइम लगता है। अगर लोगों की कंप्लेंट आती है तो हम लोग दूसरी गाड़ी भेज देते हैं, लेकिन जैसे हमारे तरफ कंप्लेंट आती है तो हम एक भी पेंडिंग रखते नहीं है। लेकिन बाय द वे जब आप सर्वे करते हो तो लोगों की आदत होगी, हम भी दिखेंगे, अगर उनके नल में पानी भी आता है और हम दिख गए तई नड़ने वाला साफ सफाई कर रहा है, ऐसे जो उनको मतलब 10 बार में अगर एक बार भी कोई मिस्टेक दिखती है तो वो 10 बार बताएंगे हमको, लेकिन उसका निवारण हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो पेंडिंग रहता है या होता ही नहीं, ऐसा नहीं है, हो जाता है, लेकिन कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी तभी वो लेट हो जाता है। जी जी मैम, ये बताइए कि बीते 5 वर्षों में वार्ड के हिस्से में ऐसा कोई काम आया है जिसका वार्ड वासी जो है वो उल्लेख नहीं कर पा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई पेंडिंग काम है कि अगर मैं उसे पूरा कर सकूं? हाँ, हमारा मैंने बोली ना मेडिकल कॉलोनी के पूरे रास्ते रह गए हैं और कुंजीलाल पेट के कुछ रास्ते रह गए हैं, बाबुड़खेड़ा के 2 रास्ते रह गए हैं जी। तो और वो जो हमारे एरिया में UPSC है बाबुड़खेड़ा, वहाँ पर तो अभी वाटर टैंक का काम चालू है अमृत योजना से, उसका कंपाउंड वॉल का काम पेंडिंग है लेकिन वो फाइल अभी प्रोसेस में है। और देखा जाए तो काम तो बहुत रहते हैं, कुकड़े लेआउट एरिया में 4 बड़े बड़े प्लेग्राउंड है, एक प्लेग्राउंड में तो पूरा स्टे है तो वहाँ पर मैं काम नहीं कर पाती हूँ। सेकंड में भी थोड़ा बच्चों की इक्विपमेंट्स के लिए लोगों ने बोला था, गार्डन में भी जो इक्विपमेंट्स हैं हमने सुना है कि वो बहुत टूटे हैं, बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं। नहीं नहीं मुझे तो बच्चों के इक्विपमेंट्स लगाने का एक भी मौका नहीं मिला है, फाइल बन गई थी लेकिन ये कोरोना की वजह से सब रुक गया है। ग्रीन जिम तो हर ग्राउंड में लगे हुए हैं, जैसे जहाँ भी लोगों की रश रहता है ऐसे एरिया में भी ग्रीन जिम लगे हुए हैं। और मैंने अपने कार्यकाल में एक अच्छा काम किया कि हमारा रूपनगर एरिया में एक खाली जगह थी, बहुत ही गंदगी रहती थी वहां पर, पहले पब्लिक टॉयलेट था, वहां पर अभी इतना अच्छा ग्राउंड बन गया है, उसको अपने कंपाउंड वॉल किया है, अंदर अच्छे पेड़ लगाए हैं, पूरा अपन ने वहाँ आई ब्लॉक लगाया है, चेयर्स है, लाइट्स है, इतना अच्छा वो अभी गार्डन बन गया है और लोगों ने आम्रपाली क्रीडांगन करके नाम भी रख दिया है। तो अभी कहीं कोई किसी को पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, हम लोग आम्रपाली में जा रहे हैं क्योंकि हर गार्डन का नामकरण जगह का आपने बहुत अच्छे से सदुपयोग किया है। और अभी वहाँ तो इतना अच्छा कि वहाँ के एरिया के लिए बच्चों को खेलने के लिए नहीं था, तो अभी वहाँ उस एरिया की सब लेडीज वहाँ पर योगा करती है, झुम्मा खेलती है, अलग अलग कल्चर प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर, देखरेख करने वाले अच्छे लोग हैं, गार्डन भी अच्छा हुआ है, तो वहाँ पर एक अच्छा माहौल बन गया है। ये तो मेरे कार्यकाल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मुझे बहुत खुशी होती है,
लोगों को वहाँ अच्छा एक्सरसाइज करने के लिए जगह मिल गई है, बच्चों को खेलने के लिए जगह मिल गई है, तो इसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही जो कुकड़े लेआउट में ग्राउंड है वह है, मैंने ग्रीन जिम लगा दिया, वॉकिंग ट्रैक किया है, और एक जो ग्राउंड है वहाँ पर मेरा एक प्रपोजल है इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का जी, तो वो भी कोरोना काल में रुक गया, फंड तो मिला था लेकिन वो रुक गया है। फिर यहाँ ऐसे कि प्लेग्राउंड एनआईटी डेवलप करेगी, गार्डन एनएमसी डेवलप करेगी, अच्छा, तो इसकी वजह से मैंने एनआईटी में भी वो सब मेरी फाइल का फॉरवर्ड किया है, फॉलो अप लेना चालू है। अभी हमारे एरिया में बालाजी नगर में बहुत बड़ी ई लाइब्रेरी का अभी लोकार्पण हुआ है कुछ दिनों पहले, गडकरी साहब आए थे, देवेंद्र फडणवीस साहब आए थे, हमारे आमदार मोहन मते जी भी थे, तो मोहन मते जी आमदार जो हमारे हैं उनका भी बहुत सहयोग मिलता है, बहुत जगह भी उन्होंने डामरीकरण किया है, सीमेंट रोड किए हैं, और कोरोना की वजह से 2 साल तो सभी का काम रुक गया था, फिर भी वो 2 साल में हमारे आमदार के माध्यम से, आमदार साहब के माध्यम से हम लोगों ने कोरोना काल में लोगों की बहुत सेवा की है, उनको खाना दिया है आमदार साहब के माध्यम से, राशन किट का वाटप किया है अपने, फिर मास्क वाटप किया है, ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि एरिया में हम लोगों की सेवा कर पाए, लोग भी उस वजह से हमको याद करते हैं, अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं। मैं, मेरा आखिरी सवाल यही होगा हमारे दर्शकों की तरफ से आपका, कि अगर आने वाले चुनाव में एक बार फिर आपको हमारी जो जनता है वो मौका देती है तो कैसा रहेगा आपका ये काम करने का तरीका, कुछ नई टेक्निक्स जो है वो आप यूज़ करेंगी या फिर उसी पुरानी टेक्निक्स को लेके चलेंगे? नहीं नहीं, लोगों ने चांस दिया तो नेचुरली लोगों की सेवा करने के लिए मुझे खुशी होगी, और जैसे जो पेंडिंग काम है वो करने का भी एक अच्छा मौका मिलेगा, लेकिन एक साल से अपने इधर जो कुछ हो रहा है, सरकार चेंज हो गई है जी बिल्कुल, और इलेक्शन के लिए जो लेट हो रहा है उसकी वजह से लोगों में भी काफ़ी बेचैनी है कि एक बार कब इलेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को प्रमाण पत्र के लिए, अटेस्टेशन सब चीज़ों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है एग्जैक्टली, तो इसीलिए अगर इलेक्शन जल्दी होते हैं और हमको चांस मिलता है और लोग हमको हमारे ऊपर विश्वास डालकर हमको फिर से काम करने का मौका देते हैं तो नेचुरली हम लोग इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है और लोगों की सेवा करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। और जो कुछ पेंडिंग काम है, मेरे तो बड़े बड़े काम थे कि वो इंडोर बास्केटबॉल ग्राउंड का, और काशीनगर में एक जो ये है अपना बाजार का रिजर्वेशन है, वहाँ पर जैसे मॉल कि जैसा का मॉल का रिजर्वेशन मॉल जैसा शुरू करके वहाँ के लोगों को रोजगार दिलवाना, ये मेरी बहुत दिनों से इच्छा है और वो काफ़ी हद तक करने के लिए मैंने कोशिश की, लेकिन उसमें मुझे सफल नहीं हो पाई मैं, लेकिन वो जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, ये जो बड़े काम हैं इसके लिए मैं बहुत इच्छुक हूँ, और अगर मुझे अगले कार्यकाल में चांस मिलता है तो मैं नेचुरली तो आप सबसे पहले पेंडिंग काम आप उसको पूरा करेंगे, हाँ उसको प्रायोरिटी से, क्योंकि मैम इतने देर के हमारी चर्चा में इतना तो समझ गया है कि आपके कार्यकाल में बहुत सी चीजें जो है वो पहले से जो पेंडिंग थी उसको भी आपने पूरा किया है, और जो 2.5 साल का जो आपका कार्यकाल रहा, 2.5 साल इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि 2.5 साल हर किसी के जो है वो कोरोना काल में बहुत ही दुख भरे बीते हैं, जिसमें कईयों ने अपनों को खोया है तो कईयों ने कामों को खोया है, आज भी कई लोग हैं जो काम के लिए तरस रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते थे और वो नहीं कर पाए, लेकिन जैसा कि मैडम के बातों से उल्लेख हुआ है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जितनी भी जनता की समस्याएँ थी उसे लगभग पूरा करने की कोशिश की है, और जो 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके हाथ में, यदि एक बार फिर जनता उन्हें मौका देती है तो वो निश्चित रूप से ही उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। खैर मैडम, एक बार फिर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भावी चुनाव के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, इन बीसीएन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में नगर सेवक आपके द्वार, इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई थी वंदना भगत मैम, जो कि प्रभाग क्रमांक 33 की नगर सेविका है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।
झूठ के तह तक जाकर पहुंचाएंगे आपको सच्चाई तक। आपको मिलेंगे आपके हर सवाल के जवाब, क्योंकि आपके वाच के नगर सेवक से करेंगे हम सीधे सवाल। देने होंगे उनको सभी सवालों के जवाब। क्या कहता है ये 5 साल का अनुभव, क्या किया, क्या कर सकते थे, ऐसी तमाम बातों की चर्चा के लिए हम आपके सामने ला रहे हैं हमारा नया कार्यक्रम नगर सेवक आपके द्वार।